In India's northeastern state of Arunachal Pradesh, a generation of yak herders is watching their livelihood come to an end. The community faces climate and societal changes. For generations, the Brokpa community, which now numbers only in the thousands, has reared yaks. Every year, when summer temperatures get too warm for yaks, the herders lead the animals up the Himalayas. As the freezing winter settles in, the Brokpa return home with their herd. From before dawn until nightfall, the herders care for the animals. सुबह सुबह उजाला होने से पहले उठना होता है, जगना होता है, उठना होता है, तब से रात को अंधेरा होने तक मेहनत ही मेहनत। उजाला होने से पहले मिल्किंग शुरू होता है, जानवरों को मिल्किंग शुरू होता है। मिल्किंग होने के बाद में फिर ये नाश्ता वस्ता होता है, उसके बाद में जानवर को ग्रेजिंग पे भेजते हैं। सारे जानवर को ऐसे अंधाधुंधा नहीं छोड़ते, किसी दिशा पे जाना, आज इस दिशा पे भेजा है तो कल इस दिशा पे भेजेंगे, मतलब बदल बदल के चारों तरफ में बदल उस दिशा पे भेजते हैं। भेजने के बाद में उस फील्ड का ये पूरा ये जो ये साफ करता है, सफाई करता है, गोबर ऊपर पूरा सफाई करता है। सफाई करने के बाद में आपका मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाता है। उसमें मिल्क प्रोडक्ट बनाने में ही आपको घी बनाना है, घी ये उसका जो छुर्पी बनाना है उसमें 2-3 घंटा लगता है। उसमें फायरवुड का बहुत लगता है, उसमें फायरवुड हर दिन एक एक लोड लगभग लग जाता है, तो फायरवुड कलेक्शन करना होता है, 1-1.5 घंटा उसमें लगता है। फिर जिस दिशा में भेजा है उस दिशा में उसको फिर ढूंढने जाना है। कुछ एक जानवर आसानी से मिल जाता है, कुछ फिर अपना झुंड को छोड़ के कितना दूर चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इस तरह से मतलब एक दिन का रूटीन ये है, डेली ये है, बहुत मेहनत है उसमें। और इसमें तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जहाँ माइग्रेशन की बात आता है उसमें तो बाप रे बहुत ज़्यादा। What used to be an annual routine has become much more uncertain for yak herders across the northeastern Himalayas. Snowfall has receded, especially in lower altitudes. And migration dates are shifting. With warmer temperatures, yaks face new threats. Yak tour mein jayega. Phir thanda garam din mein yahan se jayega, magho jayega garam din mein. फिर ठंडा शुरू हो जाएगा तो फिर वापस लेके इधर बैठेगा। या तो कितना यहाँ से लेके भूटान का जहाज निकल के जाएगा तो 15-16 दिन लग जाएगा। आते जाते में आपको 1 महीना पूरा लग जाएगा, पूरा ये या को पैक करके या को लोड करके ले जाएगा। पहले हम लोग छोटा टाइम में अभी यहाँ से गर्म होके जाएगा ना, माघो में बर्फ इतना घुस रहा था रास्ता में, फिर भी जाना पड़ता। आजकल तो कहाँ है है नहीं रास्ता में बर्फ। क्लाइमेट चेंज का एक है, एक दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे से ना, जिसका साइंटिफिकली क्या होता है हमें नहीं पता है, लेकिन जो हमको जो लगता है जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो पहले जो इस इलाके में नहीं होता था, थोड़ा नीचे इससे थोड़ा लोअर लेवल में हुआ करता था, वो अभी इस लेवल में आ गया है। हाँ, और आगे यहाँ से लेकर के आगे एक लीच ना, लीच पहले इस इलाके में होता था, इससे आगे नहीं होता था, ऊपर नहीं। अब हर साल ऊपर ये उसका मतलब ये जिंदा रहना शुरू हो गया ऊपर ऊपर ठंडे जगह में भी, तो इसका मतलब ये गर्मी बढ़ता है धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ये आपको करता है, वो ये किसी को भी करता है, ये क्या बोलते हैं आदमी को भी करता है ना, वो खून चूसता है, तो गर्मी में ज़्यादा ये होता है। लीच भी काटता है तो फिर उसमें मक्खी बैठ जाता है, मैगोट हो जाता है, ये अभी बर्फ का शुरू हो के कहा है उस गिराने। अभी गर्म ज्यादा गर्म आ रहा है यहाँ में लुबराम में भी, अभी एक साल ज्यादा गर्म आ रहा है। कीड़ा भी क्या किस्म का कीड़ा आ रहा है इधर ही। अभी यहाँ लोग भी बीमार ज्यादा हो रहा है, अभी पहले नहीं था तो, अभी वो कीड़ा से कुछ कीड़ा लग जाता बदन में वो मुड़ जाता है, और कोई मुँह में गाँव लग के वही मर जाता है, कोई अंदर पतंग का अंदर में ये गाँव लग के मर जाता है। पहले तो ऐसे नहीं था, वो दवाई भी पहले तो कुछ देगा नहीं, जंगल में एक भी चेहरे मिल जाएगा हम लोग वही दे देगा ये आप में। आजकल तो वो देने भी नहीं होता है, क्या क्या देना पड़ता है नीचे से दवाई वैक्सीन हर साल देने भी कुछ होता नहीं।
After an extremely harsh winter in 2018 to 2019, hundreds of yaks died from starvation in another northeastern state, Sikkim. A study released later in 2019 found that temperatures in the mountains are rising every year. Because of warmer temperatures, yaks and their herders spend around 45 days longer in migration than they used to. But climate change isn't the only factor that may bring Brokpa's herding yaks to an end. The work is demanding, and many young people may choose to pursue other forms of livelihood. And as younger generations head to school, they don't learn the yak-rearing skills that were earlier passed on from one generation to the next. Brokpa to pehle ke niyam aise hai, koi aurat jayega, koi murad jayega, koi bacha ladka ladke jayega, koi to dono nikal ke bal bacha bhi leke, us time mein to ye bal bacha bhi school porai wala ek bhi nahi tha, teacher bhi nahi tha hum log chhota time mein. Aajkal ke zamane mein har Brokpa parivar bachon ko school bhejta hai. स्कूल भेजता है. पहले पहले जो होता था सारे परिवार ही ब्रोकपा ये जानवरों के साथ में माइग्रेट होता था. जहाँ तक हमारे गांव की बात है और गांव में हो सकता है अभी भी है तो सारे परिवार मतलब माइग्रेट होता है साथ में. एक सिर्फ लाभ तो वो लोग भी जाता है क्या ऊपर? वो लोग नहीं जाते, वो लोग ये घर में बैठते हैं. हम लोग जाते गाय लेके थोड़ा माँ बाप के घर में बैठते समय स्कूल गया था, इसलिए गाय लोग देखने इसे देखभाल करने नहीं जाते, दूध निकालने नहीं जाते, इसलिए हम तो घर का काम करते हैं, खाना लोग बनाते हैं. इस करके औरत लोग छोटे से काम करने वाला बराबर लड़का लोग जैसे काम करते हैं. घास आजकल जब घास नहीं होगा तो पेड़ के ऊपर चढ़ के घास काट के देता ना, औरत लोग भी सकते है. वो छोटा से जो बचपन से करके बैठने वाला तो सकते, स्कूल नहीं जाने वाला लोग तो सकते, बराबर करते काम. 13 साल से याक के साथ में अभी 64 हो रहा है. उसका पिताजी के टाइम से हम लोग को याक के साथ में है. बच्चा लोग तो अभी पूरा ये बेटा बेटी पूरा स्कूल में डालते हैं. अभी हम लोग टाइम खत्म हो जाएगा तो चौरी या भी खत्म हो जाएगा सोच रहे हम तो. अभी देखने वाला कोई होगा नहीं, छोटा वाला बच्चा लोग लड़का लड़की लोग तो पढ़ाई में नहीं डालने से नहीं होते, डालने से अभी याक लोग जो जो मुख पीछे में कौन जाएगा.